हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और अंबिका। चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मदर्स डे स्पेशल रेसिपी। ये बहुत ही इजी और सबको पसंद आने वाली हमारी रेसिपी है, तो इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ हमने एक बाउल में अपनी डार्क चॉकलेट को निकाल लिया है। ये 150 ग्राम है हमने लिए है, और इसे यूज़ करने से पहले हमने फ्रिज से 2 घंटे पहले निकाल के रखा था। इससे क्या होगा कि आप नाइफ से या कद्दूकस करिए तो ये आसानी से कट हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने अपनी सभी चॉकलेट को अच्छे से काट लिया है, और मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। तो मैंने 30 सेकंड एक बार रखा, फिर ब्रेक दिया, फिर 30 सेकंड रखा, तो इससे 60 सेकंड में हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। अब मैं इसे स्पून से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहें। और चॉकलेट अभी हमारी गर्म है, तो इसे हम थोड़ा साइड में रखेंगे और अपना सेकंड स्टेप करेंगे। तो यहाँ मैं अपने होम स्टाइल पर्क बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं चॉकलेट के वेफर्स का यूज़ किया है। सभी चॉकलेट वेफर्स को हम अपनी एक प्लेट में निकाल लेंगे। वेफर्स आपको कई क्वालिटी में मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, तो हमको यहाँ चॉकलेट का यूज़ करना था, तो मैंने चॉकलेट वेफर्स लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब भाई हम अपने स्टाइल में बना रहे हैं तो ट्विस्ट तो दे ही सकते हैं ना, तो मैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दे रही हूँ, आशा है आप लोग को पसंद आएगा। तो मैं इसमें स्ट्रॉबेरी सॉस लगाने जा रही हूँ। आप इसे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे ही अपनी चॉकलेट को बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी पर्क चॉकलेट में आया है। थोड़ा थोड़ा सा बस आप स्ट्रॉबेरी जैम सॉस या जैम कुछ भी लगा सकते हैं, और दूसरे वेफर्स को इसके ऊपर रख दीजिए और बिल्कुल हल्के से प्रेस करिए, जिससे कि ये टूटे नहीं। बस इसी तरह से हमें अपने सारे वेफर्स को बनाना है। सभी में स्ट्रॉबेरी सॉस थोड़ी थोड़ी लगाइए और उसे कवर करिए। तो ये देखिए, हमने अपने सभी वेफर्स तैयार कर लिए, और इधर हमारी चॉकलेट भी ठंडी हो गई है। बस इतना ठंडा करना है कि जब हम कोटिंग करें तो आसानी से हो जाए। अब आप किसी भी चीज़ से अपने वेफर्स को पकड़िए और स्पून की हेल्प से इसको, इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग को करिए। ये रेसिपी बहुत ही शानदार है, फटाफट बनने वाली है और सभी को पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, हम सारी तरफ से इसे कवर कर लेंगे, चारों ओर से अपनी चॉकलेट को इसके ऊपर लगा दीजिए। और दोस्तों, यहाँ मैंने एक बटर पेपर का यूज़ किया है, जिससे कि जब हम अपनी चॉकलेट पर्क बार को रखें तो उसमें से जो भी एक्सेस चॉकलेट निकले वो काम में आ जाए, और दूसरे हमारी पर्क बार चिपके भी नहीं। तो बटर पेपर में हम रखेंगे, और इसके ऊपर हम कटे हुए बारीक काजू और बादाम से इसे कवर करेंगे। बाज़ार की भी जो हमारी पर्क होती है थोड़ी क्रंची होती है ना, तो बस हमने भी इसे थोड़ा सा क्रंची बना दिया है, और इसे अब हम अपने बटर पेपर पर रख देंगे। सेकंड बार भी हम इसी तरह से अपनी बनाएंगे, और इसी तरह से हमें सारी अपनी पर बार बनानी है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है। वैसे तो चॉकलेट बड़े बूढ़े बच्चे सभी को पसंद होती है। अब हम अपनी सेकंड इसको भी इसी तरह से रखेंगे। सभी चॉकलेट बार को हमें इसी तरह से, इसी मेथड से बनाना है। तो यह देखिए, मैंने सभी को बना लिया, सभी चॉकलेट बार को बना लिया। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स आप कवर कर दीजिए, और अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी चॉकलेट बार बनके तैयार हैं। ये देखिए, आधे घंटे हमने फ्रिज से निकाला, शानदार चॉकलेट बार बनके तैयार है,
पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ फिर।